लोग बाहर जाना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया, फिर भी चले गए और उल्टा मुझ पर इल्जाम धर दिया कि मैंने इजाजत दी थी। मुझे लगता है राबिया ये सब कुछ अरसाम को अपनी तरफ करने के लिए कर रही है। हमें कुछ करना होगा वरना अरसाम बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारे सामने रह सकूं और तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जो कहना है साफ साफ कहो फायजा। मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अगर राबिया का कसूर है तो राबिया से खुद बात करें। मैंने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली हुई। जिम्मेदारी नहीं ली तो क्या तुम उसे समझा भी नहीं सकती हो? अच्छा, कभी मुनाहिल को समझाने का तो नहीं कहा आपने, बल्कि उसके सामने तो मुझे बेइज्जत करके रख देती है क्योंकि वो आपकी बहन की बेटी है। ये देखो कैसी है। हाँ बहुत ही खूबसूरत है। असलम भाई लाए? नहीं बाबा, असलम भाई के पास कहाँ फुर्सत कि मुझे कहीं लेकर जाएं। ये तो मैंने खुद लिए। न जाने क्या क्या अरमान थे मेरे राबिया की शादी के लिए, लेकिन अचानक से सब कुछ हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकी। तो ये गिफ्ट तो बनता है ना? हाँ भाभी आप बिल्कुल सही कह रही। अब देखो ना अरसाम हम सबसे छोटा है तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब इसमें गिफ्ट तो देना चाहिए ना, और भाभी होने के नाते कोई अच्छा सा गिफ्ट तो देना चाहिए हमें। हाँ भाभी, लेकिन मेरे तो जहन में ही नहीं आया। मतलब कि अभी तक तुमने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया? नहीं। क्या हो गया तुम्हें? अगर मैं ना होती तो क्या बनता तुम्हारा? देखो ये रिश्ते नाते इसी तरह से मजबूत होते हैं। पर देखो कोई अच्छा सा गिफ्ट देना, कोई छोटा मोटा सा ना पकड़ा देना। ठीक है, मैं आराम से बात करूंगी। हाँ हाँ जरूर करो बात। और देखो कोई कीमती गिफ्ट देना, कोई हल्का फुल्का सा दोगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा, शादी हुई है ना। जी ठीक है। और हाँ अरहान से सही तरीके से बात करना। देखो मेरा जिक्र नहीं आना चाहिए वरना घर में तो सब यही सोचते हैं कि फायदा ही खर्चे करवाती है। ठीक है कि सिर्फ तुम्हारा आइडिया होना चाहिए? नहीं नहीं भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी तरफ से ही बात करूंगी। इसको पैक करती हूँ। क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। शाम को तैयार रहना, बाहर चलने का मूड है। हाँ जरूर, लेकिन वो मम्मी की कॉल आई थी, वो लोग शायद आने वाले हैं। उनके आने से तुम तो और भी फ्रेश हो जाओगी, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। भाई माफ करना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं किसी को बुला भी नहीं सकी, बता भी नहीं सकी। नहीं नहीं रिफत आपा, मैं समझ रहा हूँ ये बात, कोई ना कोई तो वजह जरूर रही होगी। हाँ वजह तो खैर थी, लेकिन बहरहाल वलीमे पे सबको बुलाऊंगी, धूमधाम से वलीमा करेंगे। मुझे पता है बहुत से लोग खफा है इस बात से। अम्मी मैं आप ही से मिलकर आ जाऊँ? रिफत आपा से पूछ लो। हाँ हाँ बेटा जाओ, चले जाओ। हाँ अच्छा रिफत आपा, वो अरसाम और राबिया अगर घर में हैं तो बुलाइए ना उन्हें। अरे हाँ आपा उन्हें बुलाइए, हम आए खास उन्हें मुबारकबाद देने हैं। अच्छा ठीक है मैं पता करती हूँ। परवीन परवीन, हाँ जरा जाना देखो। अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। इसीलिए तो तुम्हें चुना है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? रहो। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कोई बात नहीं रहा, ये दूसरा आ जाएगा, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरसाम, लेकिन ये मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं राबिया, दूसरा आ जाएगा। नहीं अरसाम, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा असलम भाई से पैसे मांगो। तो क्या मसला है, अगर मांग भी लूँ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन अभी हम दोनों की फीस भी भरनी है। पहले तुम अकेले थे, लेकिन अब हम दोनों की फीस भरनी होती है। याद है ना पहले क्या हुआ था? मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, कहाँ थे तुम लोग? चलो खैर, मेरी तरफ से शादी का छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू भाभी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी, तुम दोनों की शादी में मैं कुछ नहीं कर सकी। एटलीस्ट ये गिफ्ट देकर कुछ तो फर्ज पूरा करने दो। थैंक्स भाभी, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और दोनों नीचे आ जाओ, मनाहिल की अम्मी अबू वेट कर रहे हैं। ठीक है? जी हम लोग आते हैं। ये कैसे हुआ? कुछ नहीं भाभी, गलती से राबिया से टूट गया। कोई बात नहीं राबिया, इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है, चलो जल्दी से आ जाना। मैंने कहा था ना दूसरा आ जाएगा, ये लो। हेलो हेलो सना, सना हेलो। हाँ बोलो। कैसी हो सना? फहद बात कर रहा हूँ। जानती हूँ। अपनी खैरियत नहीं बताओगी? ठीक हूँ मैं, पर तुम्हें क्या? सना मैं पाकिस्तान आया हूँ अपनी बहनों की शादी करने के लिए। सना क्या हम एक बार मिल सकते हैं? देखो मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन प्लीज एक बार। नहीं मुझे किसी से भी नहीं मिलना। देखो प्लीज ऐसे मत करो सना। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, अल्लाह ताला जोड़ी सलामत रखे। खुश रहो बेटा, हमारी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुश रहो। क्या जरूरत थी भाई, वलीमे पे आती तो दे देती। अरे नहीं नहीं, ये इसकी खर्ची है, हमारी वलीमे में और ले लेती। आओ आओ बैठो हमारे साथ। आ जाओ मियां, आ जाओ, आओ यहां बैठो। और मियां कैसे आप? बस अल्लाह। अरहम भाई, आई फील सॉरी फॉर यू। क्यों? अरे बात मैं अरहम भाई से कर रही हूँ और जवाब आप दे रही हैं। अच्छा अच्छा दादी अम्मा, तुम खुद ही बात कर लो। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? यही कि यू फील सॉरी फॉर मी। हाँ वो बेबी आने के बाद तो आपकी इम्पोर्टेंस काफी कम हो जाएगी ना। ये बात तो अपनी बहन से पूछूंगा। क्यों मना है? नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भी बस एवं बोलती रहती हूँ। मैं कोई एवं नहीं बोलती। अच्छा बहुत बातें करनी आ गई है तुम्हें? भाई आप ही, आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती। अच्छा बस कर दो बस कर दो, लड़ो तो मत ना यार। अच्छा अच्छा नहीं लड़ रहे बस। मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। थैंक यू। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, तुमने इतनी रिक्वेस्ट की इसीलिए कॉल किया तुम्हें। सना मुझे माफ कर, मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो मुनासिब नहीं, और सॉरी उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन अगर तुम मेरा यकीन करो तो मेरी इंटेंशंस ये नहीं थी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तुमसे माफी मांगने के लिए। अगर मैं माफ ना करूं तो मैं तुमसे बार बार माफी मांगूंगा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती तब तक। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? तो ख्वाब भी देखने लगी थी, मगर just forget it। मुझे माफ कर दो सना। देखो सना, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो।
ओके माफ किया। सच्ची तुमने मुझे माफ कर दिया? सना थैंक यू सो मच, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे माफ जरूर करोगे। जी अम्मी। हाँ बेटा असलम। इनविटेशन भिजवा दी थी सबको? जी अम्मी सारे इनविटेशन भिजवा दिए, एक तो रह गए जो मैं पर्सनली देखा हूँ। देखो बेटा सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अम्मी आप बेफिक्र रहें, सब ठीक रहेगा, और शाम के वलीमे में किसी चीज की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो राबिया जो भी कदम हो भों भों के उठाना। हाँ किसी को थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो हम लोग तो गए काम से। मैंने सब प्लान कर लिया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा ये काम तो वैसे भी हो सकता था, इसके लिए इतना वलीमा अरेंज कराने की क्या जरूरत थी? मैंने ये वलीमा किसी की खुशी के लिए नहीं रखा है। सिर्फ उस रात की याद को ताजा करने के लिए, जब मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया गया था। तुमने उस औरत और बच्चे को तो बुला लिया ना? पिछली बार बहुत बात ही मिला था, और इस बार मैंने कहा था ना एक हफ्ते में मनाहिल को उसके घर पहुंचा दूंगी। हाँ अगर तुम मेरी बात मानो तो। एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल में मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ। सॉरी भाभी, एक्चुअली मैं आपको ये बताने आया था कि मेहमान आ गए हैं। अच्छा और अब तुम मुझे ये कहोगे कि उन मेहमानों में से मुझे कोई बुला रहा है ताकि तुम दोनों यहाँ पर अकेले रह सको। नहीं नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, आप रुकें, हम साथ ही चलते हैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं बनना तुम दोनों में कबाब में हड्डी। तुम लोग बैठो यहाँ पर, लेकिन हाँ नीचे जल्दी आ जाना। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत लग रही है। जी आपके लिए। पैसों की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई होगी? और हम सभी नहीं मांग सकता ना, उनके बीच पहले ही टेंशन चल रही है। क्या करूं? तुम बाल बनाना भूल गए थे? क्यों बुरे लग रहे हैं क्या? अच्छा अब हाथ से मत सही करो और बिखर जाएंगे। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से बाल बना कर आओ, लोगों को लगेगा मैंने पहले ही जुर्म करना शुरू कर दिया। ओके ठीक है, 5 मिनट में। हाँ मैं मामा को तब तक कॉल करती हूँ। ओके अरहम। जी भाभी। तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? जी भाभी मनाहिल को ढूंढ रहा हूँ, कहीं देखा है आपने उसे? हाँ मैंने भी थोड़ी देर पहले उसे किचन की तरफ जाते हुए देखा। थैंक यू। अरे भाभी आप रुको सांस लेने दो।
सामने मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने? हार साम, तुमने ही तो बुलाया था पैसों के लिए। मैंने? नहीं भाभी, मैंने आपको नहीं बुलाया। Actually, वो क्या कर रहे थे तू यहाँ? मैं क्या कर रहे थे तुम दोनों यहाँ पर? अरहम, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। अरहम, अरहम, मनाहिल, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ये करोगी। नहीं राबिया, तुम गलत समझ रही हो। बस करो मनाहिल, और कितने झूठ बोलोगी तुम? राबिया, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी सच बोल रही हैं। राबिया, मेरा यकीन करो, मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। ये देखो, मेरे पास एक बच्चा आया था, एक हत लेकर आया था वो, शाम की तरफ से था। उसमें लिखा था कि उसे पैसे चाहिए। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप में और शाम में पहले फीस को लेकर गलत फहमी पैदा हुई हुई थी। सच बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। राम, आप जानते हैं कि मैं राम, मनाहिल, 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 होश में हो? मनाहिल, ये मंजर बिल्कुल उसी रात जैसा था जब मुझ पर और फहद पे इल्जाम लगाया गया था। हो सकता है तुम और मनाहिल सच बोल रहे हो सकता है किसी ने वही खेल दोबारा खेला हो जो मेरे साथ खेला गया था। हो सकता है आज भी वही लोग इस साजिश के पीछे हों जो पहले थे। राबिया, अब हमें नीचे जाना चाहिए, नजरों के सामने नहीं होंगी तो और बातें बात। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बाहर सबका सामना कैसे करूंगी?
मनाहिल भाभी पर मुझे पूरा भरोसा। भरोसा तुम्हें और हमें है, दुनिया को नहीं है। बातें करने वाले तो बातें करके चले जाएंगे, लेकिन जिस पर बीतती है ना, सिर्फ वो ही जानता है। राबिया के वक्त हम जिस अजियत से गुजरे थे, तुम लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने जो गलती पहले की थी, मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मैं इस बात को यहीं खत्म करके इस साजिश को नाकाम कर दूंगा।